दिनों में अक्सर वो अपनी कहानी ढूंढा करती थी, एक ऐसी कहानी जो ना कभी कही गई और ना कभी सुनी थी। ये एक तवायफ की कहानी थी। बीच बाजार में सामान की तरह बेची जाती थी, उसके जज्बात को नज़रअंदाज करे उसकी कीमत लगाई जाती थी। ये एक तवायफ की कहानी थी। उसके ज़मीर को चूर चूर कर इंसान के भेस में जानवरों को बेच दिया, उसके हर ख्वाब तोड़कर पाताल की गहराइयों तक पहुंचा दिया। हर रोज़ ना जाने कितनी अग्नि परीक्षा देती थी, सैकड़ों बिस्तरों की चिता में जलती थी। ये एक तवायफ की कहानी थी। दूसरे के हक के लड़ने के लिए थी हमेशा तैनात, मगर अपने जिस्म की सौदेबाजी के खिलाफ नहीं थे उसके पास कोई अल्फाज। इस समाज से उसने ऐसी चोटें खाई, रात में जिसने पूरी बेरुखी से उसका इस्तेमाल किया, उसी के द्वारा दिन में ठुकराई गई पाई। ये एक तवायफ की कहानी थी। लोग उसके दिल को भूल उसके चरित्र पर दोष आलंकित करते रहे, तमाम कोशिशें की उसका वजूद मिटाने की, मगर वो यूं ही हर जंग का डटकर सामना करती रही। ये एक तवायफ की कहानी थी। ये एक तवायफ की कहानी थी। मैंने अभी लास्ट इंडिपेंडेंस डे पे कुछ लिखा था, ये कुछ इस तरह है कि हमारी कंट्री इंडिया अपने सिटीजन्स को ये बोलना चाह रही है, 70 वर्ष पूरे हुए इस जंग के, अब 71वें की बारी है। आज भी इस दुनिया में मुझे एक अनोखी पहचान बनानी है, फरेब से हासिल किया था मुझे कुछ आतिश जनों ने, आज़ादी के लिए भटकता रहा कई साल, आखिर एक दिन ऐसा आया कि तमाम हुआ ये अत्याचार। जुर्रत दिखाई मेरे सरफरोशियों ने, कुर्बान कर दी अपनी ज़िंदगी मेरी मिट्टी के लिए, न्यौछावर कर दी मैंने अपनी भूमि उनके नाम, जिन्होंने वापस दिला दिया मुझे मेरा स्वाभिमान। आज मैं नई ऊंचाइयों को छू रहा हूँ, जिसका श्रेय है मेरे दिग्गजों के नाम, सत्कार है मेरे निवासियों को, जिनके बिना अधूरी है मेरी पहचान। लास्ट में मैं 4 लाइन्स कुछ बोलना चाहूँगी मोटिवेशनल। मतलब कभी कभार क्या होता है कि हम ऐसे फेज में फंस जाते हैं जहाँ पे हम बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो हम खुद ही अगर कुछ मोटिवेशनल लिखते हैं तो उस फेज से बाहर आने में बहुत हेल्प मिलती है। तो ऐसे ही कुछ मेरे साथ हुआ था। ये 4 लाइन्स, इस भरी भीड़ में आज फिर खुद को पाना है, जमाने के बजाय आज फिर खुद से टकराना है, भटक गए थे किसी मोड़ पर आज फिर सही राह पर आना है, ऐ जिंदगी देख मैंने एक बार फिर जी के दिखाना है, मैंने एक बार फिर जी के दिखाना है।